अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची में जो रहाइश के लिए अपना प्लॉट या घर लेना चाहते हैं या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, एक ज़बरदस्त वीडियो। उन सबको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जिसमें वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनको बहरिया टाउन में सहूलियात कौन कौन सी मिलती हैं, जिसमें मैं पिकनिक पॉइंट की जस्ट बात करूँगा और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें बन चुकी हैं बहरिया टाउन के अंदर और बनने जा रही हैं, जिनका फ्यूचर इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से होगा और एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी बहरिया टाउन के लिए भी, और इसके अलावा जो आने वाले लोग हैं या बहरिया टाउन के रहशी होंगे उनके लिए भी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मज़ीद इस तरह की अपडेट आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची में बहरिया टाउन के अंदर जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत पार्क देखने को मिलता है लेफ्ट राइट दोनों साइड पे, जिसमें राइट साइड पे आप देखते हैं तो आपको कार्निवाल एक पॉइंट, एक पिकनिक पॉइंट नज़र आता है जिसमें खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें आपको सहूलियात दी गई हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे भी देखते हैं तो बहरिया टाउन का एक बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है। जैसे मेन जना एवेन्यू से आप आगे की तरफ जाते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट के लिए राइट साइड पर आपको बहरिया के अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। बहरिया टाउन के अपार्टमेंट के फ्रंट पर आपको बहरिया का जो हॉस्पिटल है वो देखने को मिलता है, बेगम रुखसाना ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ है। एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बहरिया टाउन के रहशियों के लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी। और इसके अलावा अगर मैं मजीद बात करता चलूं तो आपको डैनजो पार्क भी बहरिया टाउन कराची के अंदर देखने को मिलता है, जिसका टिकट रखा हुआ है बहरिया टाउन ने और लोग वहां पे टिकट भर के काफ़ी एंजॉय करते हैं। चिड़ियाघर उसके अंदर बना हुआ है, आपको काफ़ी सारे जानवर देखने को मिलते हैं, लोग वहां पे काफ़ी इंटरटेनमेंट होते हैं, बच्चे बड़े फैमिलीज के साथ लोग आते हैं, कराची से आते हैं, हैदराबाद से, अंदरून सिंध से लोग बहरिया टाउन को देखने के लिए आते हैं। तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिलती है डैनजो पार्क के नाम से। और इसके अलावा थीम पार्क जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहरिया टाउन कराची के अंदर बनाया गया है मेन जिरा एवेन्यू के ऊपर, एक ज़बरदस्त पॉइंट है, ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एंजॉय करते हैं और काफ़ी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और थीम पार्क एक इंटरनेशनल लेवल पर बनाई गई है बहरिया टाउन कराची के अंदर। इसके अलावा अगर आगे मैं बात करता चलूँ तो आपको बहरिया टाउन के अंदर डांसिंग फाउंटेन प्रीसेंट 28 के अंदर देखने को मिलता है, एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट बनाया गया बहरिया टाउन के अंदर और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, वहां पर भी लोग एंजॉय करते हैं बहरिया टाउन कराची में डांसिंग फाउंटेन को देखते हुए, जैसे दुबई के अंदर दुबई की तर्ज का एक डांसिंग फाउंटेन बनाया गया बहरिया टाउन कराची में। और उसके अपोजिट देखते हैं तो गोल्फ कोर्स, एक गोल्फ क्लब बनाया गया, वहां पे गेम्स हुआ करेंगे फ्यूचर में। पार्क एक खूबसूरत तरीके से बनाया गया बहरिया टाउन के अंदर गोल्फ सिटी के अंदर और एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है वहां पे वहां के रहशियों के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करता चलूं तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट स्टेडियम, रफी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है बहरिया टाउन कराची में। बहरिया टाउन ने उसका जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ताला वहां पर आपको प्रॉपर मैच होते नजर आएंगे, वहां पर लोग जो है वो मैच देखा करेंगे और एंजॉय करेंगे। और ये सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल पर एक पॉइंट बनने जा रहा है बहरिया टाउन में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको बहरिया टाउन कराची में देखने को मिलेगा। और बिल्कुल उसके अपोजिट आपको प्रीसेंट 37 के अंदर जहां पे 500 और 1000 गज के प्लॉट्स हैं वहां पर आपको इंटरनेशनल लेवल पर एक जो एफल टावर, जैसे पेरिस के अंदर एफल टावर बना हुआ है उस तर्ज का एफल टावर देखने को मिलता है, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत और पिकनिक पॉइंट है बहरिया टाउन कराची में लेके आया बहरिया टाउन। ओके, और एक जबरदस्त पॉइंट है वो भी, वहां पे भी लोग जाते हैं एंजॉय करते हैं और वहां पर काफी एक्टिविटी होती है, वहां पर बहरिया के
जो है वो प्रोग्राम भी किए जाते हैं बाज़ औक़ात। इसके अलावा प्रीसेंट 9 के अंदर बहरिया हिल्स फ्लैग पोल है, एक इंटरटेनमेंट के लिए एक ज़बरदस्त पॉइंट बनाया गया, बहरिया टाउन ने बनाया, वहाँ पर भी लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। और बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर मैं बात करता चलूँ तो बच्चों के एजुकेशन के लिए बहरिया टाउन ने 2 स्कूल दिए हुए बहरिया टाउन के अंदर है। एक रूट स्कूल जो बहरिया टाउन प्रिसन 1 के अंदर बनाया गया है, एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल पर है और वहां पर बच्चे एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए पार्क, झूले और सारी चीज़ें लगाई गई हैं। और इसके अलावा वहां पर आपके बच्चे जो है वो अगर आप बहरिया के अंदर शिफ्ट होते हैं तो आपको बच्चों को एजुकेशन दिलवाने के लिए एक ज़बरदस्त पॉइंट दिया गया। इसके अलावा बहरिया गोल्ड सिटी के अंदर एक स्कूल दिया गया छोटे बच्चों के लिए, वहाँ पे भी क्लासेस होती हैं और आप अपने बच्चों की जो है वो एजुकेशन के लिए वहाँ पे भी दाखिला ले के दे सकते हैं और एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया। बहरिया टाउन कराची के अंदर पार्क, जिस तरह ये पार्क देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैद विलास के अंदर, ये कैद विला का पार्क है, एक खूबसूरत पार्क बनाया गया, बच्चों के लिए झूले और काफ़ी सारी एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती हैं। बहरिया टाउन कराची ने इस तरह के बहुत ही ज़्यादा सारे पार्क बनाए बहरिया टाउन के अंदर। तो आप अगर बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहते हैं या आप बहरिया टाउन कराची के अंदर जो फैमिलीज रहती हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एंजॉय करती होंगी, अगर आप भी बहरिया टाउन कराची के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों से आप भी भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, एक अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप बहरिया टाउन कराची में विजिट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप बहरिया टाउन कराची के होके रह जाएंगे। आप बहरिया में विजिट करें और उसके बाद अपना प्लान बनाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट करें या फिर इंस्टॉलमेंट्स पर कोई विला अपार्टमेंट परचेज करें और अपनी रहाइश को यकीनी बनाएं। बहरिया टाउन के अंदर आपको इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीजें देखने को मिलते हैं जो कि आपको DHA के अंदर बाकी सोसाइटियों के अंदर कराची सिटी में नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बहरिया टाउन के अंदर वो सारी चीजें आपको इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे आप दुबई यूरोप में जाते हैं तो आपको वहां पर सारी चीजें देखने को मिलती हैं, उस लेवल की तो आप नहीं कह सकते लेकिन उस तर्ज की काफी सारी अपॉर्चुनिटी, काफी सारी उस तरह की एक जबरदस्त लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलता है। और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए BT के प्रॉपर्टी अपडेट्स। बहरिया टाउन कराची में कोई भी सेल परचेज का, अपार्टमेंट का या फिर आपका कोई प्लान कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट का हो तो हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आप मजीद कोई डिटेल लेना चाहते हैं या बहरिया टाउन कराची के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।